मुझसे ज्यादा रसगुल्ले में इंटरेस्ट है डॉगी को। ओह गॉड बाबू इट्स नॉट फॉर यू। गुड बॉय बन के बैठने से भी कुछ नहीं होगा। आई कांट गिव दिस टू यू। बट ये क्या फैमिली ऑफ 20 के लिए राइस आया? बिकॉज़ लाइक गाइस सो मैं रिसेंटली सोच रहा था कि इंडिया में इतनी सारी डिशेज है जो कि आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, एंड प्रोबेबली ऐसी भी डिशेज होंगी जिनका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना। सो आई थॉट लेट्स टेक अप अ चैलेंज वेयर मेरे डे के सारे मील्स इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स से होंगे, एंड ये सारा खाना मैंने उन्हीं स्टेट्स की पॉपुलर एंड आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स एंड ईटरीज से ऑर्डर किया है, विच इज़ सुपर एक्साइटिंग। मैंने इसको जोमैटो इंटरसिटी के थ्रू ऑर्डर किया है, बट दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। आई जस्ट थॉट कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा उन स्टेट्स की पॉपुलर जगहों का खाना वहीं से ऑर्डर करके टेस्ट करना एंड पोटेंशियली डिस्कवर सम न्यू एंड एक्साइटिंग फूड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम जयपुर। ऐसे दो डब्बे आए हैं, और बिकॉज हमें वैसे कोई शर्म या कोई बिहेवियर तो हमारा वैसे ख़राब हो ही चुका है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं सोधानी स्वीट्स की प्याज की कचौड़ी, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर अपेरेंटली, एंड रावत का घेवर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे काफ़ी ग्रीसी फ्राइड ऑयली ब्रेकफास्ट हमारा होने वाला है, बट ऑनेस्टली दोनों चीज़ें बहुत ही सही कंडीशन में पहुंची है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड बस कचौड़ी को गर्म करते हैं, देन लेट्स ईट। जोड़ी बेचारा मैं कब से देख रहा हूँ, उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है बेचारे को, और साथ में कचौड़ी की चटनी बहुत बाय द वे गाइस, बहुत अच्छी स्मेल, घेवर की भी स्मेल, मतलब ऐसे प्रॉपर आपका दिन बन जाएगा बेसिकली। ऐसा जयपुर के ब्रेकफास्ट से हम स्टार्ट करें, आई डोंट थिंक मतलब ऐसे कोई और नॉर्मल इंसान घेवर ब्रेकफास्ट में नहीं, जब भी हम लोग जयपुर जाते हैं तो लोग मंगवाते हैं घेवर और ये कचौड़ी। अच्छा। रावत की कचौड़ी इज आल्सो वेरी फेमस। घेवर भी मतलब लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में ना, ठीक है ना, हम ऐसे इतने भी अजीब नहीं है। एंड कचौड़ी को यूजुअली मतलब कुछ ऐसे चने आलू की सब्जी या किसी के साथ, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन बिकॉज वो नहीं था, सो वी विल ईट व्हाट वी हैव। नहीं ये वाली कचौड़ी ऐसी खाई जाती है, डोंट आर्ग्यू विद मी। चाय के साथ गर्म गर्म चाय का एक कप बना ली जाए जो कि मैं पीता नहीं हूँ, बट कचौड़ी गर्म करते हैं एंड देन लेट्स ईट। यस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एंड अब इस गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ हम चटनी डाल के खाने वाले हैं। एज यू कैन सी मम्मी तो अपनी चाय भी ले आई है, मतलब इनको लगा कि मैं क्यों छोड़ू कुछ भी। और क्या, लेट्स टेस्ट। सॉरी गाइज मैं पहले बाइट ले रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। यम। बहुत ही प्याज की क्यों है, मतलब प्याज और क्या है, प्याज ही कचौड़ी होती है, मतलब कचौड़ी में ऐसा कुछ फिलिंग में प्याज तो मतलब मुझे नहीं लग नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा यम है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमारे आलू समोसे को भी पीछे छोड़ दिया है। बहुत ही ऐसे नाइस थिक डीप फ्राइड आउटर कोटिंग है एंड एकदम मसालेदार फिलिंग है, जिसमें क्या है बहुत फ्लेवर मसाले ऐसे आलू अच्छा है, क्या है? आलू भी है, प्याज भी है, गार्लिक भी है, एवरीथिंग खट्टी मीठी चटनी साथ में, दिस इज एपिक। ऑनेस्टली एपिक, लाइक दिस इज अ 10 on 10 सीरियसली। एंड मेरे को ऐसे पता है मैं कितना बचपन में अवॉइड करते थे ना, मैं वही तेरे को भी याद दिलाने वाली थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैंने बहुत सालों बाद टेस्ट ही नहीं करते ना। हां मैं टेस्ट ही नहीं करता जो चीज पसंद, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब अब मैंने थोड़ा फिर भी स्टार्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ वीडियोस एंड चैलेंजेस। अब एक आइडिया आ गया, अब जब तुमको कोई ऐसी चीज टेस्ट करानी हो वीडियो पे कर लो। चैनल पे नॉर्मली नहीं पसंद आती, बट दिस इज टू गुड। रेटिंग 10 out of 10 है ना। अब घेवर भी खाएं। आधी कचौड़ी गाइस मैं सक्सेसफुली खत्म कर चुका हूँ, इसके बाद आधी और खाऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा घेवर ट्राई किया जाए। मम्मी गो फॉर इट। मुझे वैसे मलाई घेवर टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। घेवर आई थिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मिठाईज है, देसी मिठाई तो उसमें कुछ भी दे दो मैं पूरी ख़त्म कर दूंगा, बट मुझे मलाई वाला घेवर ज़्यादा बेटर लगता है। इसके अंदर दो है, जब तक नीचे मलाई वाला तो नहीं है। बहुत टेस्टी, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, 10 on 10 एंड
मिसिंग थोड़ा सा ऐसे ऊपर का, मतलब इसके ऊपर लिखा था रबड़ी घेवर ऐसा कुछ। वो अंदर वो होगा ना, ऊपर मलाई घेवर नहीं है, मलाई घेवर में ऊपर एक लेयर आती है और रबड़ी घेवर में अंदर ही है रबड़ी, ऐसे लग रहा है। Excuse me. रबड़ी घेवर लिखा है तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ऊपर से रबड़ी की प्रीमियम थिक लेयर होगी, जो कि नहीं है, बट दिस इज स्टिल अमेजिंग। क्या डे स्टार्ट हुआ गाइस, दिस इज अमेजिंग। सावन में वैसे भी इसका बड़ा वो रेलेवेंस है। ओह रियली? यस, फीलिंग रेलेवेंट गाइस। सो गाइज, माई ब्रेकफेस्ट इज एन आंध्रा थाली एंड एक पूरी ऐसे प्रॉपर पेटी के अंदर आया है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस वेज थाली में अपेरेंटली 7 डिफरेंट चीज़ें हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो मुझे लग रही है। सबसे पहले है पापड़, जो कि मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि थोड़ा सा, और राइस बोल ऑफ इंडिया से राइस ढोल आया है पूरा बेसिकली। इसमें फैमिली पैक लिखा था, बट ये क्या फैमिली ऑफ 20 के लिए राइस आया? बिकॉज लाइक लिटरली दिस इज जस्ट बॉयल्ड राइस। ये कितने किलो का होगा आई हैव नो आइडिया, बट बेसिकली बहुत सारा राइस आया है। इससे वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं आप। एंड बहुत सारे अंदर हैं छोटे छोटे क्योट क्योट डब्बे, जिनको हम खोल के पता लगाएंगे कि इनमें बहुत सारा खाना आ गया गाइस। पड़ोसियों को भी इन्वाइट कर लेते हैं यार, कि अगर उन्हें भी थाली ट्राई करनी है तो। एंड पिकल्स एंड चटनीज भी साथ में आई है, सो आई थिंक वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड। लाइक लिटरली उन्होंने पापड़ तक सेंड कर दिया, विच इज़ क्रेजी। आई जस्ट विश के मेरे पास एक बनाना लीफ होता जिस पे से थाली हम पूरी लेआउट कर लेते, बट कुछ काम चलाऊ करेंगे एंड वील गेट द लंच रेडी। गाइज, दिस पापड़ हैज़ कम शैटर्ड लाइक माई होप्स एंड ड्रीम्स, बट स्मेल बहुत अच्छा कर रहा है। एंड अच्छा, काफ़ी बेचारा सॉगी हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि क्रंची होगा, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज बहुत बारिश हो रही है, सो आई डोंट थिंक ये इतना एडिबल बचा है, बट बाकी हमारे पास काफ़ी खाना है, सो देयर इज नो स्ट्रेस। सो गाइज, एज यू कैन सी, बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट स्प्रेड हो चुका है यहाँ पे, एंड आई ऑब्वियसली डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्या है, बट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैंशन है। सो कम्स विद वाइट राइस ऑब्वियसली, सांभार, पालिया विच इज़ द ड्राई वेजिटेबल जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, इसमें आई कैन सी आलू है एंड गाजर है एंड अनियन है, इट्स लुकिंग क्वाइट यम। रसम भी है विच आई थिंक इज़ दिस वन, एंड देयर इज पायसम विच इज़ द स्वीट डिश, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बेनाम है, बट जो ये वाली सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा है। इसमें बहुत ऐसे कड़ी पत्ता का फ्रेग्रेंस आ रहा है विच आई लव, एंड आई फील लाइक दिस लुक्स अ लॉट लाइक ऐसे एक चटनी सालन टाइप सिचुएशन, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। एंड इसके साथ घी भी है, अचार भी है, एंड आई थिंक ये पोड़ी मसाला भी है। गाइस प्लीज़ डोंट हेट अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो ट्राइंग माई बेस्ट, बट लेट्स टेक इट। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विद दिस कड़ी पत्ता की चीज। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, आई हैव नो आइडिया ये क्या है, अगर किसी को पता है कमेंट्स में प्लीज़ एजुकेट मी बिकॉज आई लव दिस। लेट्स ट्राई आलू की सब्जी नाउ। ओके ओके, एंड सांभर तो ऑफ कोर्स विद राइस इज अ सुपर कंफर्टिंग मील। ओ, जो मम्मी घर पे बनाती है उसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा थिन एंड वॉटरी एज कम्पेयर टू दैट, बट ऐसे 10x फ्लेवरफुल, ऐसे थोड़ा सा पंजेंट सा टेस्ट है विच इज़ यम। एक्चुअली जो घर पे बनता है जो मम्मी बनाती है, ऑब्वियसली दैट्स नॉट कहीं से भी ऑथेंटिक बिकॉज ऐसे मिसेज रेड्डी की रेसिपी नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा थिक होता है गाइस, बट दिस इज एक्चुअली सांभर मिसेज रेड्डी ने बनाया होगा। यम्मी। तो वैसे गाइस टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज रसम भी कटोरी में सर्व हो गया था गलती से, बट अब हमने इसके से क्यू से चाय ग्लास में डाल दिया है। ओह
बहुत ज़्यादा यम है, काफ़ी ज़्यादा मसालेदार है, आई लव हाउ सब कुछ इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा खाना रोज़ खा सकता हूँ। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आई एम श्योर इस खाने को खा के मुझे इतनी अच्छी नींद आने वाली है कि लंच के बाद मेरे से पूरे दिन में कुछ भी और प्रोडक्टिव नहीं होगा। बहुत ही यम है सब कुछ। लेट मी ऑल्सो ट्राई एंड स्प्रिंकल सम ऑफ दिस, मुझे एक्चुअली पता क्या लग रहा है, चीटोस का मसाला लग रहा है, अलग से साइड में दिया उन्होंने मुझे, बिल्कुल चीटोस का मसाला लग रहा है। इसको भी मैं डाल के खाने वाला हूँ। योडा हैज एंटर्ड द चैट। ओ गॉड, ओ मैं जेन्युइनली ये फैमिली थाली अकेले ख़त्म करने वाला हूँ। फॉर श्योर इट्स जेन्युइनली एन 11/10। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यम्मी फ्लेवरफुल है। एंड फ्लेवरफुल वर्ड मैंने जितनी बार भी बोला, एवरीबॉडी टेक वन शॉट ऑफ योर असम। नाउ लेट्स ट्राई आउट द पायसम, जिसकी कंसिस्टेंसी ऐसे काफ़ी डिफरेंट एंड थिक टाइप्स है। मेले काफ़ी ज़्यादा स्वीट है एंड इलायची भी बहुत ज़्यादा है। आई पर्सनली प्रेफर जो घर पे खीर बनती है। सो द मेले डिज़र्ट वॉज ओके ओके, एक चम्मच से ज़्यादा मैं नहीं खा सकता, इसलिए आई एम गोना गो बैक टू माई सांभार एंड माई रसम एंड माई कड़ी पत्ता वाली डिश, जिसका नाम आप लोग मुझे बताओगे इन द कॉमेंट। सो स्नैक टाइम हो चुका है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरी स्नैक ऑल द वे कैलकटा से आई है। एंड ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मुझे लग रहा था मैं स्नैक ऑर्डर कर रहा हूँ ऐसे समथिंग लाइट, बट ये काफ़ी प्रॉपर मील यहाँ पर आ चुका है। चेलो कबाब्स मैंने ऑर्डर करे, विच इज़ अपेरेंटली द नेशनल डिश ऑफ ईरान, बट ये पीटर कैट जो कि पार्क स्ट्रीट में इन कैलकटा वहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट्स बेसिकली मिन्स्ड वेजिटेबल के कबाब जो कि बटर राइस के साथ सर्व होते हैं। एंड उसके साथ बिकॉज आई हैव नो चेल, मैंने ऑर्डर करे है बेक्ड रसगुल्ला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में आया है एंड आई लुकिंग ऐसे सुपर क्रीमी और इंडल्जेंट वाइब्स। आई लव रसगुल्ला, बट द फनी पार्ट इज़ कि मैंने आज तक कभी भी उसका बेक्ड वर्जन नहीं खाया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। मुझे लग रहा है कि ये राइस और जो कबाब इतना ज़्यादा एलैबोरेट है, इसको मैं शायद आज इस वक्त ना खाऊँ। आई विल हैव दिस ग्रीन मटर वाला कबाब, जो कि इसे हरा भरा कबाब का एक वर्जन लग रहा है। एंड आई ऑल्सो हैव द पनीर। सो सॉफ्ट एंड टेंडर, समहाउ ऐसा लग रहा है कि अभी अभी फ्रेश बना है, जबकि आई डोंट नो कब बन के कलकत्ता से डिलीवर होने में एक दिन तो लगा ही है इसको, बट इट्स स्टिल फीलिंग सो फ्रेश। स्पाइसी है, विच आई एब्सोल्युटली लव। एंड नाउ लेट्स ट्राई दिस पनीर। रियली गुड, बहुत सिमिलर है टू पनीर टिक्का, बट स्टिल देयर इज समथिंग विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। कुछ बहुत ही डिस्टिंक्ट सा फेमिलियर सा फ्लेवर है। आई कांट पुट माई फिंगर इज टू एग्जैक्टली क्या है, बट दिस इज़ यम। आई एम सो हैप्पी विद माई प्लेट ऑफ कबाब्स। राइस ऑनेस्टली मुझसे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं खाए जाएंगे बिकॉज आई एम सो फुल, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई एंड हैव सम ऑफ द बेक्ड रसगुल्ला। ओ वाओ, बहुत ही ऐसे क्रीमी कंडेंस्ड मिल्क में डूबे हुए बेक्ड रसगुल्लास, सो गुड। बहुत ही ऐसे रबड़ी वाइब्स आ रही है, जैसे मैं रबड़ी के साथ रसगुल्ला खा रहा हूँ। आई वुड स्टिल, वुड आई एक्चुअली, आई फील लाइक आई वुड स्टिल मे बी प्रेफर द रेगुलर रसगुल्ला, जैसे जूसी एंड योदी सिरपी वाइब्स होती है, बट दिस इज समथिंग सो डिफरेंट। मैंने ऐसा नहीं टेस्ट इमेजिन किया था कि बेक रसगुल्ला ऐसा होगा। इट सो मच बेटर देन आई इमेजिन, डेफिनेटली 10/10। आई लव माई स्नैक फ्रॉम कलकत्ता एंड नो वंडर बिकॉज एवरी टाइम आई गो टू कलकत्ता आई ऑलवेज इन्जॉय माई फूड एंड दिस इज ऑल्सो सो गुड। एंड आई थिंक ये नॉलिन गुड का रसगुल्ला है बिकॉज ऑफ द कलर आई एम गेसिंग। यम, बेक रसगुल्ला एंड नॉर्मल रसगुल्ला से भी इवन बेटर इज माई लिटिल योडी रसगुल्ला।
ऑनेस्टली गाइज रोने आ रहे हैं मुझे। आज का पूरा वर्कआउट मैंने बिरयानी के सपने देखते हुए किया था। हम लोगों ने डिनर के लिए हैदराबाद से ऑल द वे बिरयानी डिलीवर करवाई थी एंड इतनी सारी बिरयानी आई थी, बट जब मैंने वो खोला अनफॉर्चुनेटली इट वॉजन्ट स्मेलिंग फ्रेश। उन्होंने थोड़ी स्टेल टाइप्स हो गई वो डिलीवर करते करते, आई एम अज्यूमिंग, बट काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में एंड इट केम विद अ सालन ऑल्सो। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट थोड़ा हार्ट ब्रेक मोमेंट यहाँ पर हुआ है मेरा। तो मैंने आई थिंक बिरयानी ब्लूज़ की हैदराबादी वेजिटेबल दम बिरयानी ऑर्डर कर दी है। बट सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि हैदराबाद की कौन सी जगह की बिरयानी मुझे ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज मैं जब भी हैदराबाद जाता हूँ, मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम गया था और मैंने पैराडाइज की बिरयानी खाई थी, तो सबने मुझे कहा था कि नहीं पैराडाइज की बिरयानी मत खाओ, इट्स नॉट दैट ग्रेट। फिर जब मैं सेकेंड टाइम गया था तब भी मैंने किसी और काफ़ी पॉपुलर जगह की बिरयानी टेस्ट करी थी, आई थिंक शदाब शबाद कुछ ऐसा था, तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं वहाँ की बिरयानी आप मत खाओ, दैट्स नॉट नाइस। तो इस बार पता नहीं कहाँ की डिलीवर हुई थी, बट वो तो चलो अब एनीवे मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये वाली जो बिरयानी है, ऑनेस्टली दिस इज ऑल्सो लुकिंग फाइन, नॉट एज एक्साइटिंग, बट इसी को खा के आज मुझे अपने बिरयानी ड्रीम्स को फुलफिल करना पड़ेगा। यम तो है ऑनेस्टली, बिरयानी इज लाइक माई कम्फर्ट फूड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दिस वन इज ऑल्सो नाइस। अब नेक्स्ट टाइम मुझे हैदराबाद जाके ही ऑथेंटिक बिरयानी ट्राई करनी पड़ेगी, बट फॉर नाउ दिस वर्क्स। हमारी बिरयानी जो हैदराबाद से आई थी वो तो फेल हो गई, बट आर डिजर्ट इज स्टिल परफेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड गिले फिरदौस। एंड ये ऑनेस्टली सुनने में इतना ज़्यादा फैंसी था, बट जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला आई वॉज सो सरप्राइज, बिकॉज मुझे लगा ये इतनी सारी हरी चटनी किस चीज़ के साथ आ गई है। दिस इज ऑनेस्टली लुकिंग लाइक अ डब्बा फुल ऑफ हरी चटनी, बट दिस इज एक्चुअली कद्दू की खीर, जो कि ऑब्वियसली मैंने कभी ट्राई नहीं करी। आई हैड नो आइडिया कि लोग कद्दू से भी खीर बना रहे हैं। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, दिखने में इतना एपेटाइजिंग नहीं लग रहा है, एज आई सेड थोड़ा हरी चटनी लुक्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, बट लेट्स गिव दिस अ शॉट। अगेन काफ़ी ज़्यादा मुझे से कंडेंस मिल्क का टेस्ट आ रहा है, विच आई लव, काफ़ी अच्छा स्वीट है, इट्स नॉट ओवरली स्वीट एंड आई कांट टेल कि ये कद्दू का बना हुआ है, बिकॉज उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। आई ऑल्सो डोंट नो वाई दिस इज ग्रीन, कुछ होगा लॉजिक या कद्दू ग्रीन कद्दू, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखने में हरी चटनी लग रही है बट टेस्ट इज अमेजिंग, दिस इज समथिंग जिसका अगर आप मुझे एक बोल दे दोगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने कब खत्म कर दिया। तो थोड़ा सा अभी रिस्की सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज मेरे सामने बहुत सारी है पड़ी हुई है, बट आई लव दिस। अगर आपको कभी चांस मिले कद्दू की खीर ट्राई करने का तो नाम और शक्ल से डरना मत, जस्ट गिव इट अ शॉट, बिकॉज दिस इज एक्चुअली रियली नाइस। एंड टू बी ऑनेस्ट आज मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आया चैलेंज करने में, बिकॉज एज आई सेड मेरे डे के सारे मील्स डिफरेंट स्टेट से थे एंड ये सारा खाना एक्चुअली डिफरेंट स्टेट से आया है टू दिल्ली, विच आई थिंक वॉज सो मच फन। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप कौन सी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो एंड आपकी स्टेट की वो कौन सी पॉपुलर डिश है दैट यू थिंक आई शुड ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।